पाकिस्तान में इस टाइम बड़ा बवाल मचा हुआ है। लाहौर में एक्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच कई टकराव हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट लेकर उनके घर गई थी, लेकिन इमरान खान गिरफ्तारी से बचते हुए कन्नी काट रहे हैं और खुद के लिए खतरा बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी उन्हें किडनैप करने या फिर उन्हें जान से मार देने की साजिश है। जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि ये तो कोर्ट का आदेश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के सामने लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान को लेकर एक केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें इमरान खान को पेशी के लिए बुलाया जा रहा था। बार बार कहने के बाद भी इमरान नहीं आए तो कोर्ट ने इमरान के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और इसीलिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके घर गई थी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई ने अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली, जिसके बाद सिर्फ कुछ घंटों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। लेकिन कोर्ट ने पुलिस से कहा कि जो लोग इमरान खान के बचाव में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनकी वीडियो पेश करें और उन सब पर मुकदमा चलाए। हालांकि पुलिस ने भी इमरान खान के घर के बाहर मौजूद उनके सपोर्टर्स को भगाने के लिए लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े और भी उनसे जो हो सका किया। अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा, इमरान ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा। Pakistani security forces have withdrawn from around the home of opposition leader and former prime minister Imran Khan. They gathered at night, loud and furious, outside the Lahore home of former Pakistan Prime Minister Imran Khan. ये सारी आज shells ये देख लें, tear gassing shells. ये सारी कल शाम से ये सिर्फ मेरे घर में जो पड़े हैं, ये हमारे घर के इर्द-गिर्द जो shells मिले, ये मेरी ज़मान पाक के घर के अंदर जो shells हैं। इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स कैप्टन क्रिकेट टीम पाकिस्तान। इमरान खान के प्रेजेंट को समझने के लिए पहले उनके पास्ट के बारे में थोड़ा जान लें। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 1971 से। साल 1971 से लेकर 1992 तक इमरान पाकिस्तान टीम के लिए खेले, जिसमें 1982 से लेकर 1992 तक पाकिस्तान टीम में एज अ टीम कैप्टन रहे, जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3,807 रन और 362 विकेट लेकर एक रिकॉर्ड बनाया। 1987 में वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन पाकिस्तान कप जीतने में नाकाम रही, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट से रिजाइन कर दिया। लेकिन 1988 में उन्हें वापस टीम में बुलाया गया और फिर से टीम की कैप्टेंसी सौंप दी गई और फिर 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और पहला और अब तक के आखिरी वर्ल्ड कप सीरीज को अपने नाम किया और इस जीत के बाद इमरान को एक नया नाम मिला, कप्तान। लेकिन 1992 वर्ल्ड कप के बाद इमरान को लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिजाइन कर दिया। 1992 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम बन चुके थे। पाकिस्तानी पब्लिक उन्हें अपने दिलों में रखती, खूब प्यार देती और इसी प्यार और अटैचमेंट को देखते हुए इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिकल पिच पर आ गए और 25 अप्रैल 1996 को अपनी एक पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई और खुद ही पार्टी प्रेसिडेंट भी बन गए। और अपनी पार्टी से इमरान एक अकेले इंसान थे जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर थे, जो नवंबर 2002 से अक्टूबर 2007 तक पाकिस्तान पंजाब के मियांवाली एरिया से सांसद रहे। और इसी बीच खान ने दो ऐसे काम किए जिसके बाद इमरान पाकिस्तान की कोर पॉलिटिक्स में इंटर कर गए। पहला था शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर में लोकेटेड है। कैंसर के इस हॉस्पिटल को बनाने में इमरान की मां का सबसे अहम रोल है। उनकी मां शौकत खानम की मौत साल 1985 में कैंसर की वजह से हुई। इस दौरान इमरान ने पाकिस्तानी हॉस्पिटल में कैंसर सर्वाइवर्स को बुरे हालात में देखे और उन्हें फील हुआ कि पाकिस्तान को कैंसर के इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है और उनका यह सपना बन गया कि वो पाकिस्तान के लिए एक कैंसर हॉस्पिटल जरूर बनाएंगे। और इसी ड्रीम के चलते साल 1996 में इमरान ने पूरी दुनिया से चंदा जमा किया और पाकिस्तान को पहला कैंसर हॉस्पिटल दे दिया। हालांकि इमरान इतना बड़ा नाम हो चुका था कि उन्हें इस काम में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इमरान का दूसरा काम, साल 2008 में पंजाब के मियांवाली में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसे नमल यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। इस यूनिवर्सिटी को मियांवाली डेवलपमेंट ट्रस्ट MDT की तरफ से बनाया गया था और इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी खुद इमरान खान ही थे। ये दोनों काम इमरान के पॉलिटिकल कैरियर के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। पॉलिटिक्स में आने से पहले इमरान ने कभी वोट नहीं किया था, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद इमरान
इमरान का पहला टारगेट जनरल परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी जैसे रूलिंग पॉलिटिशियन के अमेरिकन और ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। इमरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस के एक्स हेड हामिद गुल से बड़े इंस्पायर्ड थे, क्योंकि हामिद अपने पीरियड के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को फैलाने में और वेस्टर्न कंट्रीज के पक्के विरोधी के नाम से बड़े फेमस थे। ये वो टाइम था जब इमरान धीरे धीरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमीन पर अपने पैर पसार रहे थे। 6 मई 2005 को इमरान उन चंद मुस्लिमों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने न्यूज़वीक की एक स्टोरी को क्रिटिसाइज किया था। उस स्टोरी में क्यूबा के ग्वांटनामो की खाड़ी में एक नौसैनिक अड्डे पर एक अमेरिकन मिलिट्री जेल में कुरान को ह्यूमिलिएट किया गया था। इमरान ने डिमांड करी कि इस इंसिडेंट पर परवेज मुशर्रफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश से माफी मंगवाएं। साल 2006 में इमरान ने मुशर्रफ पर कमेंट किया, मुशर्रफ यहां बैठे हैं और वो जॉर्ज बुश के जूते चाटते हैं। 2 अक्टूबर 2007 में ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत खान 85 सांसदों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट इलेक्शन का अपोज करते हैं और फाइनली रिजाइन भी कर दिया। फिर आता है साल 2018। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान असेंबली इलेक्शन के 270 सीट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें इमरान की पार्टी पीटीआई को 116 सीट मिलती है, नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 64 सीट, आसिफ अली जरदारी की पार्टी पीपीपी को 43 सीट और बाकी सीट्स कुछ अदर पार्टीज और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को मिलती है। 17 अगस्त को इमरान पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं और साल 2019 में टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में इमरान खान को जगह मिलती है। इसके बाद इमरान खान का पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिशियन वही रोल था जो अमूमन बाकी लोगों का होता है, लेकिन 8 मार्च 2022 को पीएम इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट किया जाता है और इसके बाद खूब उठा पटक होती है और फाइनली इमरान को पाकिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। ये तो इमरान का पास्ट हुआ, लेकिन अब आते हैं प्रेजेंट पर। इमरान के सत्ता से बाहर होने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं और उसी के बाद शुरू होती है इमरान की मुश्किलें। इमरान पर सत्ता में रहते किए गए कामों पर कई आरोप लगते हैं, जिसमें एक होता है तोशाखाना घोटाला। पाकिस्तान में एक कानून है कि पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन को अगर किसी फॉरेन स्टेट से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसका पर्सनल गिफ्ट नहीं होता, बल्कि उसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाता है और मिले हुए गिफ्ट को तोशाखाना यानी डिपॉजिटरी में रखना होता है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का पीएम उस मिले हुए गिफ्ट को अपने पास रखना चाहता है तो उसे गिफ्ट की वैल्यू के हिसाब से पे करना होता है। अब वो रकम कितनी होगी उसे नीलामी के जरिए तय किया जाता था, यानी मिला हुआ गिफ्ट या तो तोशाखाना में रहेगा या फिर उसे नीलाम करके मिले हुए पैसे को नेशनल फंड में जमा करा दिया जाएगा। अब आते हैं इमरान खान पर। इमरान साल 2018 में सत्ता में आए और इस पीरियड में उन्हें 58 गिफ्ट मिले, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में करीब 14 करोड़ रुपए थी। नियम के मुताबिक इन महंगे गिफ्ट्स को तोशाखाना में जमा करा दिया गया और फिर बाद में इमरान खान ने उस सभी गिफ्ट्स को काफी सस्ते में तोशाखाना से खरीद लिया और उसे बाहर महंगे दामों में बेच भी दिया। और इस पूरे कृत्य में इमरान खान ने कुछ कानून में भी बदलाव किए। इमरान के सत्ता से बाहर होने के कुछ ही महीने बाद रूलिंग पार्टी पीएमएलएन के कुछ मेंबर्स ने नेशनल असेंबली में तोशाखाना मामले को उठाया और इमरान खान पर आरोप लगाया कि इमरान को मिले गिफ्ट्स की डिटेल उन्होंने तोशाखाने में सबमिट नहीं की थी, बल्कि इमरान मिले हुए गिफ्ट्स को बेचकर पैसे कमा लिए। नेशनल असेंबली ने जांच के आदेश दिए और इमरान को एक नोटिस भेज दिया। नोटिस के जवाब में इमरान ने 4 गिफ्ट को बेचने की बात कबूल की और कहा वो गिफ्ट पर्सनली उन्हें मिले थे, इसलिए उसे इन्हें अपने पास रखने के राइट्स हैं। लेकिन तोशाखाना स्कैम का ये मामला कोर्ट में पहुंचा। तारीख पे तारीख लगती लेकिन इमरान कोर्ट में नहीं जाते। 28 फरवरी को इसी तोशाखाना मामले में इमरान को पेश होना था, लेकिन इमरान नहीं पहुंचे और आखिरकार कोर्ट ने इमरान के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी कर दिया। और अब पाकिस्तान में जो भी हो रहा ये उसी तोशाखाना मामले को लेकर पाकिस्तान पुलिस और इमरान सपोर्टर्स आमने सामने हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।